लोगों ने भी पुलिस से कहा है कि इसको संज्ञान में लेकर के तुरंत कार्रवाई की जाए। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पे हम कड़ी से कड़ी जो भी होती है, टीआई को भी निर्देशित किया है कि जो भी धाराएं लगाते बने और इनके खिलाफ पिछले जो भी प्रकरण हैं उन प्रकरणों की विवेचना करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जिला बदर तक के अगर स्थिति बनती है तो उनका जिला बदर का भी कार्रवाई किया जाए, और यही मांग हम कर रहे हैं। 3 दिन होने के बाद में अगर पुलिस कार्यवाही नहीं करती है तो एक न्याय का मामला है। हम जनप्रतिनिधियों के पास में ये इस प्रकार के मामले आ जाते हैं, और यही हमने आज आके एसपी साहब से यही पूछा है, ऐसा कौन सा कारण हो गया था, ऐसा कौन सा दबाव की बात आई थी कि आप 3 दिन तक अगर लड़की के परिवार के लड़की के बयान तक ना ले पाए, और वो लड़की ऐसी कि वो खड़े होने की स्थिति में नहीं है। यही बातें हम पूछने के लिए एसपी साहब से आए थे। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है, हमारे सामने उन्होंने टीआई को उसके बयान करने के लिए और उसके पुलिस जो भी संबंधित व्यक्ति हैं बयान के बाद में उनके अगेंस्ट में कार्यवाहियां करने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है। पूरे मामले को पुलिस लेट एफआईआर दर्ज करते हुए मामले को लीपापोती में काम कर रही है। हमारा स्पष्ट कहना है कि इस पर 452 तो सबसे पहले दर्ज होना ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं पुलिस इस मामले में लीपापोती करने की फिराक में है। मामले को छोटा बना करके, जमीनी विवाद बना करके, और दो पक्षों का मामला ये बताया जा रहा है, दो पक्षों का मामला भी है, जमीनी मामला भी है, तो किसी को प्राण घातक हमला करने का अधिकार इस पर नहीं मिल जाता। सिंगारपुर में जानकी बैग बैरागी और एक झारिया परिवार ये आस पड़ोस में रहते हैं, और इनको जो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जानकी बैरागी, और इनका जो कुछ आवास वगैरह बन रहा था उसको जमीन को लेकर के कुछ इनका विवाद चल रहा था। तो 16 तारीख के शाम को जानकी बैरागी की प्रथमता इन लोगों ने, झारिया समाज के लोगों ने मारपीट किया था, जिस पे 16 तारीख को रिपोर्ट हुई थी, इस पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। बाद में पता चला है कि ये जानकी बैरागी के जो परिवार के जो लड़के वगैरह हैं अमित बैरागी वगैरह, इन लोगों ने जाकर के झारिया परिवार के लोगों के साथ मारपीट किया है, जिसकी रिपोर्ट 17 तारीख को सुबह हुआ था, जिसमें अपने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं।